हेलो माय डू फैमिली, वेलकम टू आदर्स गेमिंग यूट्यूब चैनल। दिस इज होस्ट, हम लोग आ चुकी है फ्री फायर की न्यू एक और वीडियो के साथ। वीडियो होने वाली आप लोगों के लिए एक छोटा सा न्यूज़ एंड अलर्ट। काइंडली वीडियो को पूरा देखो, आपको 101% राय लेने के लिए वीडियो आपको देखना चाहिए कि आप लोग आपका राय क्या है, मैं लीगल एक्शन लूँ या फिर नहीं, किसके ऊपर किसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं, ज़रूर इस वीडियो देखो आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, मेरे भाई व्हाट्सअप के ऊपर मैं ऑनलाइन नहीं जाता तो पर वीडियो के ऊपर मैं बोलता हूँ, इसलिए कि मैं व्हाट्सअप ज़्यादातर नहीं यूज़ करता, लेकिन व्हाट्सअप है मेरे पास लेकिन चलाता नहीं, ठीक है। बस एंड इसलिए बोलता हूँ कि इंस्टा के ऊपर आ जाओ मेरे साथ, वहीं से ईजिली बात कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं व्हाट्सअप तो चलाता नहीं हूँ, लेकिन इसी का ही फ़ायदा उठाया। शायद होगा कोई छोटा मोटा यूट्यूबर्स कुत्ता वुत्ता होगा शायद, आई डोंट नो किसने किया होगा या फिर मेरा सब्सक्राइबर। चलो उसे पहले कुछ प्रूफ देख लो हुआ क्या एक्चुअली। बस ज़्यादा नहीं बस 20 लाइक्स गेम किया, आप लोग पूरा उम्मीद है कि कंप्लीट कर दोगे। स्कार पड़ा है, स्कार चाहिए तो ले लो, सामने बहुत सही बात है। इधर पे स्कर पड़ा है, चाहिए तो ले लो। तो गाइस सब लोग देख लिया कि यहाँ पर व्हाट्सएप की तरफ से मेरे को एक ओटीपी मिला, एंड वो भी फॉरगॉट ओटीपी थी। एंड जब भी मैं लाइव कर रहा था उस टाइम ओटीपी दिया, क्योंकि बंदे को अच्छे से पता है कि लाइव कर रहा है, इस टाइम ओटीपी दे तो मेरे को इजीली दिख जाए, ठीक है। इसलिए उस टाइम ही ओटीपी दिया, मैं पूरा शौक गया, साथ मेरे को लाइव वॉच करना पड़ा। जस्ट 11 मिनट लाइव किया एंड मैं सोचा कि भाई ओटीपी क्यों भेजा, किसने भेजा, ठीक है। तब से मेरे को एक्चुअली मैं चलाता नहीं व्हाट्सअप ज़्यादा, ठीक है, इसलिए ज़्यादातर फोकस भी नहीं किया। एंड मेरा व्हाट्सअप के ऊपर दो ग्रुप थे, तो क्या किया भाई उस दिन मेरा ओटीपी बाईपास करके आज सब, मतलब उस दिन से सभी को पास मैसेज किया, लेकिन मेरे को पता नहीं चला क्योंकि भाई मैं चलाता नहीं व्हाट्सअप ज़्यादा, ठीक है। आज क्या किया, सब ग्रुप का मेंबर्स को हटा दिया, वहाँ से रिबूम मार दिया एंड पूरा ग्रुप ही डिलीट कर दी। यार ऐसे कैसे कर सकते कोई बंदा, ठीक है। एंड मैं आप लोगों को जस्ट हेल्प करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं सभी को नहीं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बस एक बंदी तो किया होगा शायद, एक बंदे ने जो भी किया भाई, मेरे ख्याल से कोई यूट्यूबर से किया होगा छोटा मोटा, फिर जो भी किया मेरा बहुत गलत काम किया होगा, क्योंकि यहाँ पर ना भाई आप लोगों को मैं भाई मानता हूँ, ओके मेरे भाई, लेकिन वो जो किया होगा ना वो भाई नहीं मानते, वो आप लोगों को उल्टा सीधा मानते, चुतिया मानते, नहीं तो भाई ऐसा नहीं किया करता। क्योंकि सभी को साथ मैसेज भी किया दिन दिन में एंड बोल रहा है कि मैं आरएस भाई हूँ, मैं मेरे को प्रमोशन चाहिए तो इतना पैसा दो, इस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ मैसेज किया, ठीक है। एंड ये बोल रहा है कि भाई मेरा साथ बात करने के लिए मेरा फ़ोन नंबर ले लो, 100 रुपीस दे दो, इस तरह से, मतलब और भी बहुत कुछ, फ़ोन नंबर भी सेल कर रहा है मेरे नाम से, ठीक है। तो भाई जो किया ना बहुत गंदा काम किया एंड पब्लिक को साथ धोखा किया ना, तो पब्लिक भी आपको एक बार देखा देगा यहीं पे, ठीक है मेरे भाई। एक बार पब्लिक को दिमाग खा गया ना भाई, तो सब लोग मिलके इतना बुरा हाल कर देगा ना भाई, पता नहीं चलेगा, बस नहीं सकते तभी। लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ किसने किया, जस्ट आप लोग रेडी रहना, आप लोगों को क्या करना है मैं वो भी फ्यूचर में बोलूँगा जब भी मेरे को पता चल जाए, लेकिन उससे पहले वो सुधर जाए तो बहुत सही है, नहीं तो भाई मैं लीगली एक्शन लूँगा। मेरे को पूरा पता है यूट्यूब का अलगरिदम एंड उसी के साथ भी बात, तो भाई आप मेरे साथ इस तरह से गंदा काम करता ना मैं माफ़ कर देता, लेकिन आपने बहुत ही गंदा तरीके से पब्लिक को साथ भाई इस तरह से धोखा किया। भाई पब्लिक के साथ धोखा किया ना तो पब्लिक ही आपको देखा देगा, मेंबर्स लोग ही आपको देखा देगा, भाई लोग देखा देगा कि इसका साथ धोखा करने का रिजल्ट क्या बुरा होती है, ठीक है। अब जस्ट वेट करो, मैं दिखाता हूँ आपको आपका कल, ठीक है। आपको प्रमोशन चाहिए ना तो इतना प्रमोशन करूँगा ना तो 2 दिन में आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, तभी पता चल जाएगा कि भाई यहीं पे क्या हो गया। मैं नहीं चाहता किसी को लाइफ बर्बाद करने के लिए, फिर भी आपने जो किया ना बहुत गंदा काम किया, आपने मेरा व्हाट्सअप का सारे मेम्बर्स को हटाया, मेरा नंबर सेल किया, बहुत और कुछ काम किया। बस आपके ऊपर मैं लीगल एक्शन लेने जा रहा हूँ, वेट करो।